थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। आप सभी लोगों का एक बार दोबारा स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। ये जो व्लॉग है थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, ऐसा लग तो रहा है मुझे, क्योंकि इस व्लॉग में मैं अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली 2019 का रिवाइंड है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी रिवाइंड नहीं बनाया, तो ये रिवाइंड स्टार्टिंग की जर्नी भी कवर करेगा। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं ये रिवाइंड। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट का एक सेकंड भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एंडिंग के एक सेकंड तक हर एक वो चीज़, हर एक वो डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा जो जो अभी तक हुई है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये शुरू हुई थी एक सपने से, सपना एक्टिंग करने का, अपनी क्रिएटिविटी आप लोगों तक पहुंचाने का। तो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मैंने ऐसे रैंडमली शूट करके डाल दिए थे, जैसे मेरे बच्चू महाराज का एक वीडियो डाला था जिसपे वो बेड पे चढ़ रहा था, बाद में मेरे अपरिचित का एक वीडियो बहुत साल पहले मेरे बड़े भाई ने अपने आईडी से यूट्यूब पे अपलोड किया था, वो डाउनलोड किया, मेरे आईडी पे डाला। गंगा जी में तीसरा स्थान है हमारा, एड्स में दूसरा स्थान है हमारा, सफाई में तीसरा स्थान है हमारा, क्या आप में से कोई बता सकता है आखिर ऐसा क्यों? लेकिन असली कहानी जो है वो शुरू होती है सैवेज लाइफ एट होम, जो मैंने मेरी भतीजी के साथ शूट किया था मेरे भाई के मोबाइल से, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसे कैसे अपलोड करना है, कैसे एडिट करना है। तो मैंने कैसे कैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, कैसे ना कैसे मैंने जितना बन सकता था उतना एडिट किया, एक थंबनेल बनाया और अपलोड कर दिया। एक्चुअल में यूट्यूब की कहानी शुरू होती है, वो होती है एक वीडियो माँ का बदला। वो वीडियो मेरे भाई के मोबाइल से ही शूट किया, माँ भी मैं बना था, बेटा ही मैं बना था। दिमाग में कॉन्सेप्ट तो था, आइडिया तो था कि उसे कैसे एडिट करना है, लेकिन लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने लैपटॉप खरीदा, यूट्यूब पे देखे कि कैसे एडिट करते हैं, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कैसे है, हम उसका क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। भाई इतने अमीर नहीं है कि हम पहले वीडियो में सब डाल दिए। तो मैंने लैपटॉप भी लिया था लोन के ऊपर, 8 महीने में फटाफट मैंने चुका दिया, और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। किसी लड़की के साथ डेटिंग वेटिंग चल रही है बेटा आपकी? अरे किधर मेरी दाढ़ी वाली माँ? वैसे देख, पता नहीं तुम मुझे क्या खा के पैदा किया ना, साला कोई लड़की घास ही नहीं डालती। तो धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाता गया। जो भी वीडियो मैं बनाता था, मुझे ऐसा लगता था बस ये एक वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। कौन है? गर्लफ्रेंड है पापा। गर्लफ्रेंड? पर तुमने तो कहा तुम अकेले रहते हो। कल हमारे स्कूल में है डोनेशन डे। कल स्कूल में डोनेशन डे है। कल डोनेशन डे है। का डोनेशन कलेक्ट हो गया है, रकम अच्छी जमा हुई है। नेल्स को पेंट किया था, सारा पेंट निकल गया। अच्छा लगेगा। नहीं पापा, अचानक सब कुछ मीठा लगने लगा, अब पानी की कोई जरूरत नहीं। अरे चलो, अच्छा हुआ पानी तो बच गया है ना। पानी बच गया। तो यही थे कुछ वीडियोस मेरे स्टार्टिंग के जर्नी के, जहाँ पर मैं कॉमेडी वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहा था। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया, ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं, और इट्स कम्प्लीटली ओके। लाइफ में हर एक वो चीज़ नहीं मिलती जो हम सोचते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। लेकिन जो सपना होता है वो किसी शर्त पर नहीं होता है कि ये होगा तो ही मैं मेरा सपना कैरी करूंगा, ये होगा तो मैं मेरा सपना छोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अगर मेरा वीडियो वायरल नहीं होता तो मैं वीडियोज ही बनाना बंद कर दूंगा। अचानक एक दिन एक व्लॉग देखा, एक्चुअली मैंने वो व्लॉग देखा था मुंबई कर निखिल का, ये UIC और मुंबई कर निखिल की जब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, और मैंने देखा था कि यो इंडियन कंज्यूमर है उनके लाइव स्ट्रीम में मुंबई कर निखिल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने वहां से मुंबई कर निखिल का चैनल सर्च किया, मैंने व्लॉग्स देखे, और मुझे लगा यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब दिस इज समथिंग रियली यूनिक, और इससे आप अपनी ऑडियंस के साथ, आपके जो सब्सक्राइबर्स है के साथ एक अच्छा कनेक्टिविटी बना सकते हो, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, ट्रस्ट मी। यही से भाई हमारे व्लॉगिंग की जर्नी शुरू होती है। मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मेरा बच्चू महाराज, हम लोग जा रहे थे मेरे मम्मी के गांव महाराष्ट्र पुणे सातारा तरफ, और वहां पर मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था मुंबई टू पुणे, एनीथिंग फॉर द व्यूअर्स, और दूसरा व्लॉग था रियल टैलेंट ऑफ इंडिया, और तीसरा था मेरे देश की धरती। मुझे इतना ज्यादा मजा आया, इतना ज्यादा एंजॉय किया मैंने उस व्लॉग में, भी लगा था मुझे कि ये वायरल हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, तोड़फोड़ देगा, लेकिन जो ऊपर की इच्छा थी, जितना मेरी काबिलियत थी, ऊपर वाले ने मुझे उतना ही दिया। एक व्लॉग बना, दो व्लॉग बना, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए, मैं बहुत ज्यादा खुश भी हुआ, मैंने आप लोगों को उस समय थैंक यू भी कहा।
जीरो से शुरू की थी और आज मेरे सब्सक्राइबर्स 100 प्लस है, मैं ऑलमोस्ट 140 पे टच हूँ। पता नहीं अभी आगे क्या होगा, लेकिन बस मैं यूं ही मेहनत करता रहूंगा और बस यूं ही कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार दोबारा। तो बस हो गया रवि, बहुत ज्यादा घूम घूम के कहानी आप लोगों को सुनाई, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा हूं मैं। और एक वीडियो जो मेरे दिल के कई ज्यादा करीब है, मतलब व्लॉग एक मेरे, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैंने एक दिन का रोजा रखा था, मैंने पहले भी एक बार रोजा रखा था बहुत साल पहले, बैक इन 2011 व्लॉगिंग शुरू करने के बाद मैंने एक दिन का रोजा रखा। और इसके पीछे मेरा मकसद यही था कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो लोगों तक पहुँचाया जाए। उस व्लॉग पे लाइक से ज्यादा कमेंट्स है। इस व्लॉगिंग के चक्कर में मैं कई सारी जगहों पर घूमा। मैंने काला घोड़ा फेस्टिवल सिर्फ सुना था लेकिन कभी नहीं गया। मैं इस व्लॉगिंग के चक्कर में गया, व्लॉग किया, अपलोड किया। आर सिटी प्रेजेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया काला घोड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल। मैं कई इंटरव्यू गया सदरलैंड, मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया। मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू सदरलैंड में, एक बड़ा ही नामचीन कॉल सेंटर। थर्ड एंड फाइनल राउंड जो कि डिफिकल्ट था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, मेरा दिल बहुत ज्यादा जोरों से धड़क रहा था, बहुत ज्यादा, बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने अच्छा खासा ठीक ठाक इंटरव्यू दिया। अब देखते हैं सिलेक्शन होता है नहीं होता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन माय हैंड। वो अभी भी चल रहा है, उस पे जल्द से जल्द 10,000 क्रॉस हो जाएगा और मेरा पहला व्लॉग होगा जिसपे, वो मेरा पहला वीडियो होगा जिसपे मेरे 10,000 क्रॉस हो गए, एंड दैट टू अ व्लॉग। और ये सारे व्लॉग्स ऐसे व्लॉग्स होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जो कभी नहीं रुकते, जो चलते रहते, उस पर व्यूज आते ही रहते हैं। मैं फर्स्ट डे था मेरा गैप्स में, मैं जहाँ पर अभी काम करता हूँ कॉल सेंटर, वहाँ का भी मैंने व्लॉग बना, और ये भी जो चलता रहेगा, इस पर व्यूज कभी कम नहीं होगा, मतलब रुकेगे नहीं। सो फाइनली आई एम डन विद द एंट्री। मैंने मेरे घर वालों के साथ भी प्रैंक किया, स्पेशली आप लोगों के लिए। और इस व्लॉग के पीछे मेरा यही मकसद था कि मेरे जो व्यूअर्स है उनको बताना कि माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब हम घर छोड़कर जाते हैं वो कितना भावुक हो जाते हैं, कितना इमोशनल हो जाता है। यूट्यूब ने मेरा लाइफ में एक बहुत अच्छा काम किया कि मैं मेमोरीज क्रिएट करना सीखा। लायन किंग का ट्रेलर आया था तो मैंने मेरे बच्चू महाराज के सारे वीडियोस बना करके लायन किंग का ऑडियो डाला और एक अच्छा सा वीडियो बनाया। सिम्बा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। मेरी भतीजी मेरे बाबू को लेकर बाला बाला चैलेंज बनाया। मेरे बच्चे के आगे जाकर देखेंगे कि वह हमारे चाचू ने हमारे लिए वीडियोस बनाए, हमारे लिए मेमोरीज क्रिएट की। कभी हम व्लॉग करने लोनावला निकले दोस्तों के साथ तो पुलिस ने हमें पकड़ा। प्लान बना था लोनावला का, सभी दोस्तों ने साथ दिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 3,000 रुपए का काट दिया। पकड़ा हम अकेले पहाड़ पर चढ़े कोरीगढ़ फोर्ट, जो हम दोस्तों के साथ गए थे लोनावला, दोस्त पिछड़ गए कि नहीं हम नहीं आ सकते, हम थक गए, हमें कुछ अलग एंजॉयमेंट चाहिए, तो हम वन मैन शो गए कोरीगढ़ फोर्ट पे चढ़े। लुक एट द ब्यूटी एंड द बीस्ट। हम लोग सोशल नेशन गए, थोड़ी देर तू व्लॉगिंग कर, ये ले तू पकड़, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए थोड़ी देर के लिए तू बोल कुछ, क्या हम यहाँ आए, हम घूम रहे हैं। हमने हमारी दिवाली कैप्चर की। अरे ऐसे कैसे, अब खोल लेना बोल। इतना रागनी ये डा बनाई मेरे को रागनी। हमारे वाइफ का मंगलसूत्र टूटा, हमारी जान खतरे में आई, हमने वो व्लॉग बनाया। हमारे वाइफ का जो मंगलसूत्र है वो टूट गया और अभी मेरी जिंदगी आ गई है खतरे में। इंडियन हस्बैंड्स होते हैं, उनकी जो जान होती है वाइफ के मंगलसूत्र में होती है, अगर वाइफ का मंगलसूत्र टूट गया तो फिर इंडियन हस्बैंड का होगा क्या। और इस व्लॉगिंग में हमने ये कैमरा भी खरीदा, कैनन G7X Mark II। एक मीम आया अब्बा हारमोनियम बजाते, वो व्लॉग बनाया, मेरी वाइफ को पट्टे तक परेशान किया। नानी जी ये रागनी बोल रही थी कि आप हारमोनियम बजाते हैं। ये नानी के चुके ना के ले उम्र है। और फाइनली जिस व्लॉग का मैं इंतजार कर रहा था कि ये व्लॉग बने और उसके बाद मैं यूट्यूब रिवाइंड बनाऊ, वो व्लॉग भी बनाया,
सीक्रेट सेंटा क्लॉस ऑफ इंडिया। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉस आ गया है, नाचो बच्चे हे। जो मैंने पर्सनली काफी एंजॉय किया, और अगर शायद यूट्यूब नहीं होता तो मैं ये मेरे बच्चों के लिए कभी नहीं करता, मैं कभी सेंटा क्लॉस नहीं बनता शायद, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब, अ बिग 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 थैंक्स टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड टू यू हु सपोर्टेड मी नॉट, हु डिसलाइक्ड इट, हु लाइक्ड इट, हु शेयर्ड माई वीडियोज, हु हैवंट शेयर्ड माई वीडियोज येट, थैंक्स टू एवरी वन हु वॉच्ड माई वीडियोज। हमारी सरकार, हमारी रागनी जी का भी आपके लिए मैसेज है, जरा सुन लीजिए। बोलना चाहती है, बोलना चाहती है। तो क्या बोलना चाहती है? अपने 1.5 साल हो गए, अपने 100 वीडियोस होने आए, अपने 1200 सब्सक्राइबर्स लोगों को क्या बोलना चाहती है? तो बोल कुछ, तो थैंक यू, कुछ भी जो भी तेरे दिल में आए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सबसे ज़रूरी चीज़ ये मैंने लास्ट के लिए रखी थी, सबसे ज़रूरी लोग जिन्हें थैंक यू बोलना एकदम दिल से बनता है, मेरे मॉम डैड, जिनके बगैर ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। यही तक ये हमारी आज की यूट्यूब रिवाइंड, बहुत प्यार मेहनत लगन शिद्दत के साथ अभी तक ये यूट्यूब की जर्नी हुई है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को एक बार दोबारा, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, यहाँ तक साथ नहीं भी दिया है, जिन लोगों ने आके कमेंट में प्यार दिया है, गालियाँ दी है, लाइक किया, डिसलाइक किया, सभी को दिल से थैंक यू। थैंक्स टू माय मॉम डैड, माय फैमिली, माय वाइफ, माय ब्रदर, माय छोटी छोटी भतीजी लोग, माय मौसी, माय बच्चू महाराज, और अभी सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बनाने हैं, मेमोरीज क्रिएट करनी है, और बस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बात तो हमेशा याद रखने का, चाहे जो हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।